नमस्कार, आप सबका स्वागत है. गुड आफ्टरनून, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. आज हमारे बीच माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज उपस्थित हैं उनके वार्षिक पत्रकार सम्मेलन के लिए. आर यू, इफ एनीबडी इज गेटिंग इन इंग्लिश ऑन द हेडफोन्स, डू यू हैव इट? एनीबडी इज यूजिंग हेडफोन्स? ऑलराइट, ऑलराइट, गुड. आज का ये विशेष पत्रकार सम्मेलन माननीय विदेश मंत्री महोदया के साथ, सरकार जैसा कि आप जानती हैं 3 साल अपने कार्यकाल के पूरे कर चुकी है, और इस अवसर पर जैसे पिछले सालों के में भी हुआ था, पहले साल में दूसरे साल में माननीय विदेश मंत्री हमारे बीच हैं अपने सहयोगी विदेश राज्य मंत्रियों और विदेश सचिव जी के साथ, अन्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी विदेश मंत्रालय के यहाँ पर हैं. मैं उन सबका, आप सबका, मीडिया के मित्रों का स्वागत करता हूँ. हम इस पत्रकार सम्मेलन का आरंभ करेंगे माननीय विदेश मंत्री महोदया के वक्तव्य से. उसके बाद हम आप सबसे प्रश्न लेंगे जिनके उत्तर विदेश मंत्री महोदया देंगी. इन प्रश्नों के बारे में मैं आपको बता दूं कि जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को मौका मिल सके, इसलिए हम ये प्रार्थना करेंगे कि एक पत्रकार एक ही सवाल पूछे और उस एक सवाल के कोई भाग ना हो, सब पार्ट्स ना हो. दूसरा निवेदन ये है कि आप लोग जब सवाल पूछेंगे तो जिस विषय पर सवाल होगा, हम कोशिश करेंगे जिससे सारे विषयों पर सवाल करने का मौका मिल सके, कि जहाँ तक संभव हो अप टू 5 क्वेश्चंस, 5 सवालों तक एक विषय पर सवाल पूछे जा सकें. और माननीय विदेश मंत्री महोदया से प्रार्थना करने के पहले कि वो अपना वक्तव्य दें, आप सबसे एक विनम्र अनुरोध, अपने मोबाइल को कृपया सब लोग साइलेंट पर कर लें. बहुत बहुत धन्यवाद. विदेश मंत्री महोदय, धन्यवाद. गोपाल, सबसे पहले तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ. जैसा अभी गोपाल बता रहे थे कि इस सरकार ने ये परंपरा शुरू की है कि कार्यकाल के हर एक वर्ष की समाप्ति के बाद हर मंत्री अपने अपने मंत्रालय की उपलब्धियों का ब्यौरा प्रेस के माध्यम से देश के सामने रखेगा. मेरी ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी श्रृंखला में आयोजित की गई है. मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि 3 साल बाद आपके बीच में हाजिर हुई हूँ, और बीच के अंतराल में ये काम पहले सैयद अकबरुद्दीन जी, उसके बाद विकास स्वरूप, और अब उतनी ही कुशलता से गोपाल बागले निभा रहे हैं. मैं वर्ष में एक बार ये विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूँ, जो 2015 में भी की और 2016 में भी की. आज मैं इस बात से शुरू करना चाहूँगी कि इस सच्चाई को तो आप लोग स्वीकार करेंगे कि गरीब कल्याण के कार्यक्रमों और साहसिक फैसलों के कारण हमारी सरकार की लोकप्रियता देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है. मैं उसमें विदेश मंत्री के नाते ये जोड़ना चाहूँगी कि विश्व में भी भारत का प्रभुत्व उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है. आज हमारे प्रधानमंत्री की गिनती दुनिया के अग्रणी पंक्ति में खड़े हुए नेताओं में होती है. आज भारत वैश्विक एजेंडा तय करने में अपनी बहुत प्रमुख भूमिका निभा रहा है. आज विदेशों में बसे हुए भारतीयों का मनोबल बहुत ऊंचा है, और संकट फंसे में फंसे हुए भारतीयों का विश्वास बहुत बढ़ा है. इन 3 वर्षों में विदेश मंत्रालय की कार्यशैली में 2 महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं. एक, कि घरेलू विकास के कार्यक्रमों में पहली बार विदेश मंत्रालय अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है, और दूसरा, विदेशों में बसे हुए भारतीयों की सुरक्षा हमारे दूतावासों की प्राथमिकता बन गई है. जहां तक पहले बदलाव का सवाल है, भले ही हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम में मेक इन इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, क्लीन इंडिया हो, स्मार्ट सिटीज़ हो,
इन सब में भारत के राजदूत इतने सक्रिय हैं कि यदि केवल आप एक FDI के आंकड़े की तुलना करें तो UPA के 3 अंतिम वर्ष और हमारी सरकार के ये 3 वर्ष, इन दोनों की तुलना में आप पाएंगे कि 37.5% बढ़ोतरी FDI में हुई है, 37.5%, दिस इज अ रिकॉर्ड। और केवल वो विदेशी पूंजी निवेश लाने में अपनी भूमिका नहीं निभाते, बल्कि जो प्रोजेक्ट्स तय हो जाते हैं, प्रधानमंत्री जिनके बारे में MOU साइन करके आते हैं, हस्ताक्षरित करके आते हैं, उनको अपने उन देशों में भी, डेस्टिनेशन कंट्रीज जहां वो कार्यरत हैं, और भारत में भी उन संबंधित मंत्रालयों के बीच मेल बैठा करके उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसी तरह जो दूसरी प्राथमिकता का बदलाव मैंने बोला कि प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता बन गई है, उसका केवल एक आंकड़ा आपके सामने रखूंगी कि पिछले 3 वर्षों में लगभग 80,000 लोग जो संकट में फंसे हुए थे उन्हें भारत सुरक्षित लाया गया है, 80,000 लोग। और इसके लिए मैं 3 लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने खाड़ी के देशों के साथ हमारे संबंध इतने ज़्यादा अच्छे कर दिए कि वो सहायता करने को तत्पर रहते हैं। दूसरा मेरे ये दोनों सहयोगी, मैंने बहुत सोच विचार कर कार्य विभाजन किया, फील्ड का काम जनरल को दिया, चर्चा का काम जर्नलिस्ट को दिया, क्योंकि खड़े होकर निकालने में एक जनरल वाली भूमिका चाहिए। आपने देखा होगा ऑपरेशन राहत हो, ऑपरेशन संकट मोचन हो, खुद जमीन पर खड़े रहकर कई कई दिन तपती धूप में, दोपहरी में खड़े होकर वो जिस तरह से वहां से लोगों को निकाल कर लाए। सऊदी अरब में वैसा संकट नहीं था, लेकिन सऊदी ओजर ग्रुप, साद ग्रुप, उनके हजारों हजार लोग निकलने थे, 3-3 बार सऊदी अरब जाकर के खड़े होकर के निकाल कर लाए। और चर्चा का सारा काम हमारे दूसरे सहयोगी, क्योंकि उनको टेरिटोरियल डिवीजन दिया है, उनको OIA डिवीजन दिया है, तो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से बात करनी है, दुबई के फॉरेन मिनिस्टर से बात करनी है, कतर में बात करनी है, तो इन दोनों के सहयोग से और हमारे राजदूतों की सक्रियता, ये 3 चीज़ें जिम्मेदार हैं। और उसका परिणाम है प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाए गए अच्छे रिश्ते, इन दोनों की सक्रियता और हमारे दूतावासों की संवेदनशीलता, इसका परिणाम है कि हम 80,000 लोग निकाल कर लाएं। और एक और बात बता दूं, इसमें ऑपरेशन मैत्री का आंकड़ा शामिल नहीं है, जिसमें अलग से 1,05,000 लोग निकले, इसमें सऊदी अरब से होने वाली एमनेस्टी का आंकड़ा शामिल नहीं है, वो अलग से 28,000 लोग हैं जिनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो अलग हैं। ये शुद्ध उन लोगों का आंकड़ा मैंने रखा है जो संकट में फंसे हुए थे और हम लोग जिनको निकाल करके लाए। तो ये जो 2 महत्वपूर्ण बदलाव हुए उसके कारण ये संभव हुआ। इसी तरह से हमने और भी बहुत सिटीजन सेंट्रिक, जिसे कहते हैं नागरिकों की सहूलियत के लिए फैसले लिए हैं, उसमें केवल एक का चर्चा करना चाहूंगी, पासपोर्ट का। पासपोर्ट की सेवाओं में हमने सुधार भी किया और पासपोर्ट की सेवाओं में हमने विस्तार भी किया। सुधार के नाम पर सबसे बड़ा काम हुआ है पासपोर्ट के नियमों का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ऑफ पासपोर्ट रूल्स। और आप शायद चौंक जाएंगे कि नियमों के सरलीकरण के बाद जब हमने पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर की तुलना की तो 50% की बढ़ोतरी पासपोर्ट में हुई। यानी ये नियम इतने जटिल, इतने कठिन थे, इतने अव्यवहारिक थे कि पासपोर्ट मिलने में बाधक थे। एक क्वार्टर की दूसरे क्वार्टर से तुलना करवाई मैंने तो 50% की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह पासपोर्ट सेवाओं में विस्तार, जब हमारी सरकार आई थी तो केवल 77 PSKs पासपोर्ट सेवा केंद्र देश में थे, पहले हमने आकर उसमें 16 बढ़ाए। और जो वादा आपके सामने किया था पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सभी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को हम पासपोर्ट केंद्र दे देंगे, उसको पूरा किया। लेकिन उसके बाद हमने एक अभिनव पहल की डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ, और POPS के पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत की, पहले चरण में 86 की घोषणा की, और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि उसमें से 52 ऑपरेशनल हो गए। और दूसरा चरण
हम तुरंत घोषणा करने वाले, अगले 2-3 दिन में उसकी भी हम घोषणा कर देंगे। मित्रों, अब मैं आती हूं एक मुख्य बात पर कि इस बार हमने एक मंत्र, जो घोष वाक्य हम बनाते हैं हर वर्ष का अपने उपलब्धियों का, पिछले 2 वाक्य आपको याद होंगे, लेकिन इस बार का घोष वाक्य हमने रखा है प्रभावी कूटनीति, उत्तम परिणाम, इफेक्टिव डिप्लोमेसी, एक्सीलेंट डिलीवरी। अब मैं इसको पुष्ट करने के लिए 2-1 छोटे छोटे उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ ज़्यादा समय आपके लिए बचे। आपको याद होगा जिस समय हमारी सरकार आई तो विदेश नीति के समीक्षकों ने, आलोचकों ने, विशेषज्ञों ने एक बात एक स्वर से कही थी कि अब पश्चिम एशिया विदेश नीति के फोकस से बाहर हो जाएगा, क्योंकि उनको लगता था कि वहाँ ज़्यादातर मुस्लिम बहुल देश हैं, वो तो मोदी की प्राथमिकता में ही नहीं रहेंगे। मैं चाहूँगी कि आज 3 वर्ष बाद उसको उस कसौटी पर तोल कर देखिए। अगर रीजनल संबंधों की मैं तुलना करूँ तो मैं कह सकती हूँ, निस्संदेह कह सकती हूँ कि आज सबसे ज़्यादा अच्छे रिश्ते अगर किसी एक रीजन के साथ हैं तो वो पश्चिम एशिया के साथ हैं। सऊदी अरब में जब प्रधानमंत्री गए, सऊदी नरेश ने उन्हें अपने देश के सबसे बड़े सर्वोच्च सम्मान से नवाजा, हाईएस्ट सिविल ऑर्डर उन्हें प्रदान किया। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद हमारे 26 जनवरी के समारोह के मुख्य अतिथि बनकर आए, और ये दोनों वो देश हैं जो पाकिस्तान के बहुत मित्र देश माने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी आज इतनी घनिष्ठ मित्रता इन दोनों देशों से है। एक और बात इसके साथ ही कहना चाहूँगी कि दुनिया में वो देश जो परस्पर विरोधी भी हैं, एक दूसरे के साथ जिनका 36 का आंकड़ा है, ये भारत की प्रभावी कूटनीति का परिणाम है कि भारत के रिश्ते दोनों से बहुत अच्छे हैं, सऊदी अरब और ईरान आपस में कड़वा अच्छे रिश्तों में, लेकिन भारत सऊदी अरब के साथ भी मित्र देश है और ईरान का भी मित्र देश है। इजराइल और पैलेस्टाइन बहुत बड़ा उदाहरण है, वर्षों से युद्ध, वर्षों से संघर्ष चल रहा है। पैलेस्टाइन के समर्थक इजराइल का नाम लेते कतराते हैं और इजराइल वाले पैलेस्टाइन का नाम लेते कतराते हैं, लेकिन हम सार्वजनिक रूप में संसद में खड़े होकर मैंने कहा कि इसराइल हमारा मित्र देश है, मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन पैलेस्टीनियन कॉज को कभी भी लेट डाउन नहीं होने देंगे, और हमने उसको निभाया है। पहले राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी भारत के, जो पैलेस्टाइन और इसराइल दोनों की यात्रा करके आए। पहले विदेश मंत्री हूँ मैं जिसने 2016 की यात्रा ही प्रारंभ करी पैलेस्टाइन और इसराइल से, और पहले पैलेस्टाइन गई उसके बाद इसराइल गई। अभी आपने देखा पैलेस्टाइन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास भारत आए और अब प्रधानमंत्री इजराइल जा रहे हैं, और दोनों को मालूम है, इजराइल ये मालूम, उसको मालूम है कि पैलेस्टीनियन कॉज को कभी निराश नहीं करेंगे उनको, और पैलेस्टाइन को भी ये मालूम है कि इजराइल इनका मित्र देश है। बल्कि वो ये कहते हैं, दोनों बार जब मैं वहाँ गई तब भी प्रेसिडेंट अब्बास ने ये कहा और यहाँ भी उन्होंने यही बात की कि हम तो चाहते हैं कि आप मित्र बने रहें और इस मित्रता का लाभ उठाकर हमारा मामला सुलझाएं, यह है उनकी सोच। ऐसे कितने उदाहरण दे सकती हूँ, अभी साइप्रस और टर्की वाले आए, आपस में क्या संबंध है आप जानते हैं, लेकिन हमारा टर्की से भी संबंध और साइप्रस से भी संबंध, और टर्की का पाकिस्तान से क्या संबंध है वो भी आप जानते हैं। तो ये मैं इसीलिए केवल थोड़े से उदाहरण आपके सामने रख रही हूँ कि अगर हमने ये घोष वाक्य दिया है प्रभावी कूटनीति और उत्तम परिणाम, तो हम उस कसौटी पर खरे उतरते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि इन 3 वर्षों में विदेश मंत्रालय का स्वरूप भी बदला है और चरित्र भी बदला है, विदेश मंत्रालय की कार्यशैली भी बदली है और प्राथमिकताएं भी बदली हैं, और उसी बदलाव का ये परिणाम है कि हमारी कूटनीति भी प्रभावी है और उत्तम परिणाम भी आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी गोपाल अब प्रश्नोत्तर के लिए प्रारंभ करें। ओके, What we will do is, हम लोग एक एक करके आप लोगों से सवाल, आपके सवाल लेंगे।
कुछ हाथ में ऑलरेडी नोट कर चुका हूँ। महा आपसे शुरू करेंगे, महासिद्दीकी, और क्योंकि हमारे इंटरप्रेटर्स आपको नहीं देख सकते, वो ऊपर हैं, इसलिए जो भी सवाल पूछे आप लोगों में से, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना नाम और अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम ज़रूर बता दें। मैम, आई एम महासिद्दीकी फ्रॉम CNN न्यूज़ 18। देयर इज अ प्रपोज मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड US प्रेसिडेंट ट्रंप लेटर दिस मंथ। Now, with the US pulling out of the Paris Accord, also accusing India of benefiting out of it, and other outstanding issues like H-1B visa, where do we see this relationship really headed? US pe to Bharat America sambandhon par 3-4 aur sawal agar aap log koi karna chahe to aap karna chahenge US ke upar? US ke upar koi aur sawal? दीपांजन, मैम, दीपांजन फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स। टेकिंग अ क्यू फ्रॉम व्हाट महा सेड, विल एशिया पैसिफिक एंड पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया यूएस एंड द डिफेंस रिलेशंस बी द सीमेंटिंग टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज? कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? आई वॉज लुकिंग एट दिस पेपर। Ma'am, taking a cue from what Maha said, amid these irritants, can the defense relationship between India US and the Asia Pacific partnership be the two positive sides of the relationship? Ma'am, Charu Kasturi from the Telegraph, right at the back. Ma'am, US President Donald Trump, when he exited from the Paris Agreement last week, he used rather harsh words for India. What is our assessment? Do we agree with that assessment? If we disagree, will we be putting forward our point of view to Donald Trump, and how will we be doing so? My name is Abhilash Khandekar. I am from the Free Press Journal. I am sitting here, ma'am. My question was on the similar line. How do you see that the US president saying India has been receiving billions and billions and billions of dollars? Do you see this is a reality or is something else to that? Thank you. ये सवाल तो आपने repeat कर दिया, आप इधर दे दीजिए आगे। मैम, मधुरेंद्र बोल रहा हूँ मैं न्यूज नेशन से। जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट ने एक तरह से समूचे ही फ्रेमवर्क को कहें अपने आप को पुल आउट करके धक्का दिया है, और ज़ाहिर तौर पर जो मदर नेचर की बात हमारे देश की तरफ से लगातार कही जाती रही है, और समूचे पैक्ट के ज़रिए जिस तरह से एनवायरनमेंट में दुनिया भर में तमाम तरह के बदलावों को हम लोगों ने ये सोचा था कि उसको अचीव करेंगे, उसको गहरा धक्का लगा है। इससे भारत और अमेरिका के संबंध किस तरह से प्रभावित होंगे, और मोदी और ट्रंप के बीच की जो कूटनीति है उसको लेकर क्या विचार अब सरकार कर रही है? धन्यवाद। पांच प्रश्न हुए हैं, जिनमें से तीन प्रश्न जो आखिर के हैं वो लगभग एक दूसरे से गुथे हुए हैं, और पहले दो आपस में गुथे हुए हैं। सबसे पहले जो महासिद्दीकी ने पूछा, वो देखा जाए तो वो एक ओवर आर्चिंग सवाल था कि ट्रंप प्रशासन के आने के बाद भारत और अमेरिका के संबंध कैसे आगे बढ़ रहे हैं, या बढ़ भी रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि ट्रंप प्रशासन आने के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। वो उसी गति से आगे बढ़ रहे हैं जिस गति से ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के समय बढ़ रहे थे। और उसकी पुष्टि करने के लिए बताना चाहूँगी कि तीन बार तो प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति ट्रंप से बात हुई है, मेरी उनके विदेश मंत्री टिलरसन से फ़ोन पर बात हुई है, हमारे विदेश मंत्री वित्त मंत्री अरुण जेटली की वहाँ बहुत सफल यात्रा हुई है, हमारे NSA की उनके NSA मैकमास्टर के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है, और हमारे विदेश सचिव जब अमेरिका यात्रा पर गए थे तो उनकी इंटीरियर मिनिस्टर से, फॉरेन मिनिस्टर से, कॉमर्स मिनिस्टर से बातचीत जो हुई, और अपने समकक्ष अधिकारियों से बातचीत हुई। इस सबसे एक साझा सूत्र निकल कर आता है कि ट्रंप प्रशासन भारत और अमेरिका की रिलेशनशिप को, भारत और अमेरिका के संबंधों को पारस्परिक लाभ का संबंध मान रहा है। द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस, दे आर लुकिंग एट इट
as a relationship of mutual benefit. तो ये तो जो आपका overarching सवाल था उसका मैंने जवाब दिया. जो सवाल दीपांजन ने किया उसमें उन्होंने खास तौर पे बात की कि जो रिश्ते H1, आपने भी H1B वीज़ा की बात की. H1B वीज़ा के बारे में एक तो मैं ये क्लैरिटी कर दूं कि अभी तक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है. 2004 से कैप चली आ रही है 65,000 की, 65,000 की, वो अभी उतनी ही संख्या पर है. लॉटरी सिस्टम से निकलता है नंबर और नाम, अभी उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. और जो हमारे लोग वहाँ से PhD करते थे उनके लिए जो 20,000 का अलग कोटा था वो भी बरकरार है. हाँ, चिंता ज़रूर है क्योंकि बार बार इस बात की चर्चा होती है कि इसमें संशोधन कर दिया जाएगा, लेकिन बहुत से संशोधन ऐसे हैं जो केवल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं किए जा सकते, जिसके लिए कांग्रेस के अनुमोदन की ज़रूरत है, बिल पारित करने की ज़रूरत है, कानून बनाने की ज़रूरत है. तो मैं आपके माध्यम से देश को ये आश्वस्ति ज़रूर देना चाहूँगी कि हम कांग्रेस के सांसदों से भी संपर्क में हैं, ट्रंप प्रशासन के संपर्क में भी हैं. अभी जब प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे तो भी जो मुद्दे वो वहाँ उठाने वाले हैं उसमें ये एक मुद्दा है. तो अभी तक किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन हम पूरी तरह से सतर्क हैं कि किसी भी तरह से कोई ऐसा संशोधन ना हो जिससे भारतीय हितों को धक्का लगे. जो दीपांजन ने कहा कि इसके कारण क्या डिफेंस पार्टनरशिप पे या एशिया पैसिफिक की जो मैकेनिज्म है उस पे तो कोई धक्का नहीं लग रहा, तो मैं कहना चाहूँगी बिल्कुल नहीं. US इंडिया का मेजर डिफेंस पार्टनर है, और जो बातचीत NSA और मैकमास्टर के बीच में हुई है उसके आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि किसी तरह का कोई संकेत यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ऐसे नहीं आया कि वो इस रिलेशनशिप को डाइल्यूट करना चाहते हों. इसलिए जो दो सवाल इधर से किए गए वो मैंने कहा था आपस में गुथे हुए हैं, उनका जवाब मैंने दिया. इधर के तीनों सवाल एक ही थे, पेरिस समझौते को लेकर, जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण की रक्षा को लेकर. खांडेकर जी ने तो बिल्कुल सीधे सीधे पूछ लिया कि क्या वो रियलिटी है जो ट्रंप बोले. सबसे पहले तो मैं बता दूँ वो बिल्कुल रियलिटी नहीं है. प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, मैं उसमें जोड़कर कहना चाहती हूँ कि भारत ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर ना तो किसी देश के दबाव में किए थे और ना किसी देश के पैसे के लालच में किए थे. ये लोभ के कारण किए गए हस्ताक्षर नहीं है, ये भय के कारण किए गए हस्ताक्षर नहीं है, ये हमारी पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता के कारण किए हुए हस्ताक्षर हैं. और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा वो प्रतिबद्धता आज की नहीं है, वो 5,000 वर्ष पुरानी है. पर्यावरण की रक्षा, नदियों की पूजा, पर्वतों की पूजा, वृक्षों की पूजा, आज भी गांव में जाइए लोग पीपल को सींचते हैं, हम वनस्पति को प्रणाम करते हैं. ये इंडियन इथॉस है, ये भारतीय सांस्कृतिक धरोहर है. इसलिए कोई ये कहे कि हमने किसी के पैसे के लालच में आकर के पेरिस समझौते पे हस्ताक्षर कर दिए, या कोई ये कहे कि हमने दबाव में आकर कर दिए, मैं इस दोनों आरोपों को सिरे से खारिज करती हूँ और ये कहती हूँ कि हमने ये हस्ताक्षर केवल अपनी कमिटमेंट के कारण किए हैं. इसलिए अमेरिका उसमें रहे या ना रहे, भारत उसमें बना रहेगा. नवीन. मैम, नवीन कपूर ANI से. मैम, हम लोग हाउ आर वी प्लानिंग टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग एम्बिशन स्पेशली इन आर ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, दे आर बिल्डिंग ह्यूज वन बेल्ट वन रोड, एंड हाउ आर वी ट्राइंग टू परसुएड चाइना फॉर NSG? देखिए, चाइना से संबंधित दो अलग सवाल आपने पूछे हैं. हाँ, आप बाकी पूछ रहे हैं? एक सेकेंड. आई एम शाहिद अब्बास फ्रॉम कोजेंसिस. चाइना इज जस्ट oppose India's entry into NSG, saying that it is under the new circumstances, it is more complicated, and so it will not, it's not going to back India's entry into the NSG. So how do you react to this? ये मिलता जुलता सवाल पूछ चुके थे इसे वेंकट, और वेंकट के बाद जाका on China. So this is Venkat Narayan here, on your right. You know, after a gap of 25 years, India has a government
with one party having an absolute majority in the Lok Sabha and will get there soon in the Rajya Sabha, which means that this government has a mandate to take hard decisions to improve our relations with India, Pakistan. Do you have any ideas? अभी हम लोग चाइना पे सवाल पूछ रहे हैं ओके चाइना चाइना पाकिस्तान पे आप आ जाओ ऑल राइट ओके सो डू यू हैव एनी आइडियाज देन यू वोंट टाइम फॉर पाकिस्तान सो यू हैव टू डिसाइड यू वोंट टू आस्क फॉर पाकिस्तान और फॉर चाइना बिकॉज़ गोपाल हैड गिवन अ एम्बागो बोथ आर आवर नेबर्स सो चाइना ओके आई विल टेक ज़ाका एंड देन वी विल कम टू द आंसर्स मैम ज़ाका जेकब फ्रॉम सीएनएन न्यूज़ 18 हियर मैम my question is, the PLA had sent a couple of choppers over Uttarakhand, and today the MOFA spokesperson in Beijing defended it, saying it's disputed territory and that they can send flights to wherever they think is relevant. I want your thoughts on, A, this has happened in Uttarakhand, which is the middle sector, which has relatively been peaceful compared to either Tawang side or the Aksai Chin side. And two, does the government of India plan to raise this, present a representation through the ambassador in Beijing before the Minister of Foreign Affairs in Beijing. Thank you. ठीक है जी पांच हो गए गिन आप रहे हैं मैं सुन रही हूँ एक तो जो सबसे पहला सवाल नवीन ने पूछा आपने शब्द इस्तेमाल किया टू काउंटर चाइना पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हम कोई भी नीति किसी और को काउंटर करने के लिए नहीं बनाते हैं हम अपने हित में बनाते हैं और जहाँ तक आपने कनेक्टिविटी की बात की सीपीईसी का संदर्भ लिया तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कनेक्टिविटी इन प्रिंसिपल तो हम अग्री करते ही हैं और ओबोर जब कहीं नहीं था शायद चाइना ने कंसेप्चुलाइज भी नहीं किया था उस समय भी हमने कनेक्टिविटी के कितने ही कार्यक्रम अपनी ओर से प्रारंभ कर रखे थे हमारा कालादान प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है हमारा बीबीआईएन प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है हमारा बीसीआईएम प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है हमारा चाबहार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है तो जहाँ तक कनेक्टिविटी का सवाल है उस पर कोई एतराज़ नहीं है सवाल ये है कि कनेक्टिविटी के प्रिंसिपल्स क्या हों सिद्धांत क्या हों क्या वो कंसल्टेशन के साथ बना है क्या उसमें किसी की सॉवरेनिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही किसी की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही क्या वो वाकई रिस्पॉन्सिबल है इस तरह के कुछ सिद्धांत हैं जो हमने ओबोर के समय रखे और मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि जब बीआरएफ की मीटिंग हुई तो बहुत से देशों ने इन्हीं चिंताओं को इन्हीं सिद्धांतों को अपनी अपनी भाषा में वहाँ रखा है मुझे लगता है कि इसलिए चाइना भी दोबारा सोचने को मजबूर होगा और जहाँ तक सीपीईसी का सवाल है वो सीधे सीधे हमारे सार्वभौमिकता से हमारी सॉवरेनिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है ये हम 10 बार कह चुके हैं हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है और वहाँ से एक टुकड़ा इस सड़क का गुजरे ये हमारी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात है जिसका पूरा विरोध हमने वहाँ किया है दूसरी बात जो पूछी गई चाइना के बारे में आपने तो सवाल ही रोक दिया शायद आप पाकिस्तान को बेहतर सवाल पूछना चाहते हैं जो जेकब ने पूछी है उनके लिए मैं ये बता दूं कि ये ठीक है कि 2 हेलीकॉप्टर उतरे उत्तराखंड के उसमें ज़मीन पर कई बार जब इंकर्शंस होती हैं तो वो एक तर्क ये ढूंढ लेते हैं कि अभी चूंकि बाउंड्री सेटल नहीं हुई सेटलमेंट के प्रोसेस में है इसलिए बहुत बार गलती लग जाती है हम समझते हैं हमारी सीमा है इसलिए हम इसमें आ गए और बहुत बार आपको लगता है ये आपकी सीमा है आप उसमें आ गए मगर उसको मिल बैठ करके हम लोग सुलझा लेते हैं पहली बार ये एयर स्पेस में बात हुई है और जो आपने कहा कि क्या हम इस इशू को उठाएंगे हम निश्चित उठाएंगे तरीका क्या होगा ये मैं अभी तय नहीं कर सकती आपने एक तरीका सुझाया है वो भी हो सकता है लेकिन 101% हम ये मामला चाइना के साथ उठाएंगे एनएसजी के बारे में मैं आपको बता दूं चाइना ये कहता है कि मेरा विरोध इंडिया स्पेसिफिक नहीं है वो ये कहता है कि नॉन एनपीटी कंट्रीज़
को शामिल किया जाए या नहीं, इस पर मेरा विरोध है। तो उसका जवाब हम उन्हें दे चुके हैं कि पहले भी फ्रांस को जो शामिल किया गया था वो नॉन एनपीटी कंट्री ही था। फिर वो कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों और नॉन एनपीटी कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ भी हम एक डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक डिस्टिंक्शन करते हैं कि हमें 2008 में अलग से ये अधिकार मिल गया और उस समय पर हमारा पूरे क्राइटेरिया को जो नॉन एनपीटी कंट्रीज या एनपीटी कंट्रीज़ के लिए होता है उसको जांचा गया। जांचने पर जब हम खरे उतरे तब हमें वो अधिकार 2008 में मिला। इसलिए आज का समय हमारा क्राइटेरिया जांचने का नहीं है, हमारे क्रेडेंशियल्स जांचो। और वो क्रेडेंशियल्स हमारे जो हमारी प्रतिबद्धताएं या कमिटमेंट्स हमने उस समय की थी उसको 100% नहीं 101% हमने पूरा किया है। इसीलिए हम इंडिया और पाकिस्तान के उस पर भी उनको बता रहे हैं कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। रही बात बातचीत की, तो हमने चाइना को हमेशा इंगेज किया है, हम अब भी एनएसजी के नाते इंगेज कर रहे हैं। और केवल हम ही नहीं कर रहे, हमारे वो मित्र देश जो इससे सहमत हैं कि एनएसजी की मेंबरशिप मिलनी चाहिए और उनके चाइना से भी अच्छे संबंध हैं, हम उनके माध्यम से भी ये कह रहे हैं। जैसे अभी जब प्रधानमंत्री गए रशिया, तो रशिया ने कहा कि मैं एनएसजी और यूएनएसजी दोनों में आपकी सहायता करता हूँ और दोनों का समर्थन करता हूँ। आप एनएसजी के भी मेंबर होने चाहिए, यूएनएसजी के भी मेंबर होने चाहिए। तो हम चाहेंगे कि रशिया और चाइना के आपसी जब अच्छे रिश्ते हैं तो रशिया उन पर भी ये बात कहे। दबाव डालने की बात हम नहीं करते, लेकिन बातचीत करके उनको समझाने का सिलसिला केवल भारत ही नहीं करे, भारत के मित्र देश भी करें, इस ओर हम लोग लगे हुए हैं। प्रणय। मैडम, प्रणय उपाध्याय, न्यूज 18 से। मैम यहाँ, मैम भारत पाकिस्तान के रिश्तों में काफ़ी उतार चढ़ाव आया है इस दौरान, और आपसे ही जानना चाहेंगे कि जिस उतार चढ़ाव के बीच भारत और पाकिस्तान के रिश्ते चल रहे हैं उसमें अस्ताना में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे, नवाज शरीफ भी होंगे, तो क्या आपको लगता है कि मुलाकात के लिए समय और जो स्थितियाँ हैं वो अनुकूल होंगी? और दूसरी चीज़ ये कि पठानकोट हमले के बाद से पाकिस्तान ने क्या कोई अपडेट दिया है हमें? वो इन्वेस्टिगेशन क्या आज भी अटका है या कोई प्रोग्रेस हुई है उसमें? प्रणय, आपने दो सवाल पूछ लिए, अब बाकी लोगों के पास खाली तीन सवाल पूछने का स्थान बचा है। पाकिस्तान के ऊपर और किसके पास? आदित्य। मैम, आदित्य राज कॉल फ्रॉम रिपब्लिक टीवी। आई हैव अ सिमिलर क्वेश्चन, द प्रोवोकेशंस दैट हैव बीन कमिंग फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड, स्पेसिफिकली ऑन द कुलभूषण जाधव इशू। इंडिया वेंट टू द ICJ एंड पाकिस्तान हैज बीन रेजिंग द इशू ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। नाउ Mr. AG, the Attorney General of Pakistan, has spoken to Republic and they have said that they will approach the ICJ on the Kashmir issue. Now, does India think that Pakistan has any locus standi at all to speak about the Kashmir issue? And are you confident that Kulbhushan Jadhav, the innocent Indian man, will be saved, ma'am? Nidhi. Ma'am, Nidhi Razdan from NDTV. My question is similar to the one that Pranay asked, ki Pradhan Mantri abhi Astana jayenge and Prime Minister Nawaz Sharif will also be there. Even if there is no formal meeting that is being set up, are you ruling out even an informal interaction between the two leaders, even if it is just to discuss this issue of terrorism? Ramesh. कुमार राकेश, ग्लोबल गवर्नेंस न्यूज़ ग्रुप से। सुषमा जी, भारत पाकिस्तान को लेकर के पिछले 30 वर्षों में 40 वर्षों में कई तरह के बयान आए, कई तरह के उतार चढ़ाव आए, अभी कई सवाल आए। एक एक एग्जांपल को लेकर, पठानकोट की बात हो, जाधव की बात हो, अन्य बातें हों, हमने अपने तरफ से लाहौर यात्रा की बात हुई, प्रधानमंत्री ने सद्भाव दिखाया, पाकिस्तान गए और कई इस तरह के हमने अपने तरफ से उपक्रम किए। इन तमाम उपक्रमों के बीच आपको क्या लगता है कि जितनी विदेश नीति है हमारे देश की, 100 देश या 165 देश के बराबर, सिर्फ हमारी ऊर्जा, समय, जो हमारा वक्त है, भारत पाकिस्तान में बीतता है समझाने में, समझाइश में? क्या हम आपसे अपेक्षा करेंगे? क्या आपको लगता है कि सशक्त सरकार जो है, मोदी सरकार है, आपका नेतृत्व है, जैसा कि एक आपने एग्जांपल दिया है, ट्विटर मंत्री, विश्व में अकेले मंत्री हैं आप जिन्होंने ट्विटर पे काम किया है और लोगों को प्रभाव दिया है, भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बीच ऐसा कोई ठोस अस्थायी समाधान निकलेगा हम लोग के रहते? चूँकि बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं, ऐसा कुछ लगता है कि कुछ हो सकता है इस परिप्रेक्ष्य में? क्या इसका समाधान है या नहीं है? पहले कही गई सरकार में आने के पहले, मोदी जी की सरकार आने के पहले भी कई बातें कही गई और आज भी है, और एक 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 से कि यहाँ महारथी लोग हैं बैठे हुए। और राकेश जी, अपना प्रश्न जरा, प्रश्न मैं प्रश्न ही कर रहा हूँ, चूंकि मैं वो जाधव और पठानकोट में मैं ना उलझता हूँ ना उलझना चाहता हूँ।
मैं डपोर संकी नहीं हूँ, सो कॉल नहीं कहलाता हूँ गोपाल जी, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। सरकार है, सशक्त सरकार है और करने की बात है। वो उसमें कोई नीति है या उसमें कहीं कुछ उपाय है, कोई चिंतन है, मनन है, मंथन है? मैं बस इसी छोटा सा सवाल है उसमें, इसलिए मैंने भूमिका दी कि लोगों को, हम लोगों को चूंकि अपने को समझ तो है नहीं, समझना चाहते हैं बस, ठीक है। और एक छोटा सवाल जुड़ा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है, सॉरी हंसने की बात नहीं है यहाँ पे, मैं कोई ना भाषण दे रहा हूँ ना भाषण सुनना चाहता हूँ, मैं समाधान की बात कर रहा हूँ। प्रवासी को लेकर के 14 PVD हुए, आज तक सिंगल विंडो सिस्टम नहीं हुआ, जो उन लोगों का दर्द है। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रवासी भारतीय विनीता, पाकिस्तान पे अंतिम प्रश्न, और विनीता इधर, मुझे विश्वास है आप संक्षेप में पूछेंगे। अब तो कुछ बचा नहीं। मैं विनीता हूँ पाइनियर से। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप मैम वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैकवर्ड लगा रहा है, तो हाउ डू यू इवेल्युएट योर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान ओवर द 3 years, पर्टिकुलर दिस 1 year, एंड डू यू स्टिल सी देर इज होप फॉर अ फ्यूचर टुगेदर, पीसफुल फ्यूचर टुगेदर? पाँच को नहीं मिली, मिल गई ना, पाँच हो चुके। चलिए, सबसे पहले मैं राकेश जी के जवाब प्रश्न से शुरू करना चाहूँगी। राकेश जी, आपने कहा कि विदेश मंत्रालय का सारा समय, ऊर्जा, परिश्रम पाकिस्तान पे बीतता है, तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि विदेश मंत्रालय का समय और ऊर्जा तो उतनी नहीं बीतती पाकिस्तान पे जितनी मीडिया की बीतती है, और उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ अभी आया। इससे पहले US पर सवाल हुए, चाइना पर सवाल हुए, लेकिन उतनी ना ऊर्जा उसमें ख़त्म हुई, ना उसमें उतनी नष्ट हुई, ना समय उतना नष्ट हुआ। मैं आपको बता दूं, हमारे लिए पाकिस्तान एक देश है और हम उतनी ही समय, उतनी ही ऊर्जा उस पर लगाते हैं जितना कि हम बाकी प्रमुख देशों पर लगाते हैं। और इसीलिए जो विदेश नीति का मैंने अभी एक खाका आप लोगों के सामने खींचा, उसमें मैंने तो पाकिस्तान का उल्लेख भी नहीं किया, मैंने तो दूसरे देशों की बात की जिनके साथ हमारे संबंध कैसे चल रहे हैं। जहाँ तक इसके बाद सवाल आता है विनीता का, क्योंकि वो एक ओवर आर्चिंग सवाल है, फिर मैं आप लोगों के सवालों पर आऊँगी, अस्थाना के सवाल पे भी आऊँगी, जाधव के सवाल पे भी आऊँगी। आपने ये जो कहा कि वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप्स बैकवर्ड, इसे कभी कभी आप लोग फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान की तरफ भारत की नीति समझने के लिए 3 बातें याद रखें। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी विदेश नीति के 3 खंभे तैयार किए हैं। पहला, हम बातचीत से हर मुद्दा सुलझाना चाहते हैं। दूसरा, बातचीत केवल 2 पक्षों के बीच में होगी, किसी दूसरे समूह, किसी दूसरे देश, किसी दूसरी संस्था की मध्यस्थता हम स्वीकार नहीं करेंगे। और तीसरा, आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं होगी। ये 3 स्तंभ हैं। और मैं कहना चाहूँगी विनीता, आपके माध्यम से बाकी मीडिया को, कि अगर हमारी पूरी 3 वर्षों की नीति पाकिस्तान के प्रति जो हुई है, जिसे उतार चढ़ाव कहते हैं, मैं भी उतार चढ़ाव ही कहती हूँ, अगर आप इन तीनों पर उसको जांचेंगे तो आपको एक कंसिस्टेंसी मिलेगी। बातचीत के लिए हम तैयार हैं, ये अपनी सरकार आने के पहले से शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को न्योता देकर हमने साबित कर दिया। उसके बाद भी 2 बरस तक मित्रता का हाथ आगे बढ़ाते रहे। कोई नहीं सोच सकता था कि मोदी जी की सरकार में और मोदी जी के व्यक्तित्व को जानते हुए कि वो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के एक बुलावे पे काबुल से उड़ के लाहौर चले जाएंगे, लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स इनिशिएटिव उन्होंने लिया कि ऐसी चीज़ें याद रहती हैं, ये जेस्चर्स ऑफ गुडविल हैं, मैं इनको भी लेकर आगे जाऊँ। लेकिन उसके बाद क्या मिला, 1 सप्ताह के अंदर पठानकोट, और अभी पूछा पठानकोट एयरबेस के बारे में कि वो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। आपने शब्द इस्तेमाल किया इन्वेस्टिगेशन अटकी हुई है, हाँ अटकी हुई है। उन्होंने कहा GIT भेजे, आप सहयोग करेंगे, उन्होंने GIT भेजी, हमने सहयोग किया, लेकिन उसके बाद क्या? तो हम 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड नहीं जा रहे, हमने 3 कसौटियाँ तय कर दी पाकिस्तान से अपने रिश्ते तय करने के लिए, और उन तीनों पर लगातार जो घटना घटी और जो हमारा रिएक्शन हुआ उसको जांचिए, वो इन तीनों में से ना किसी एक के साथ जुड़ी हुई आपको मिलेगी। इसलिए कोई फ्लिप फ्लॉप नहीं है,
कोई वन स्टेप बैकवर्ड टू स्टेप वन स्टेप फॉरवर्ड और टू स्टेप बैकवर्ड नहीं है। रही अस्थाना की बात, किसी तरह की कोई मुलाकात तय नहीं है, ना उनकी तरफ से ना हमारी तरफ से। कुलभूषण जाधव का जो प्रश्न है, मैं थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूंगी, क्योंकि उस सवाल को आपने आईसीजे से जोड़ के पूछा है। पहली बात तो यह है कि आईसीजे में जो पाकिस्तान कह रहा कि मैं ज्यूरिसडिक्शन का विषय उठाऊंगा, एक चीज हम समझ लें कि पहले हमने प्रोविजनल मेजर के लिए एप्लीकेशन दी थी। शायद प्रोविजनल मेजर हम लोगों को इसलिए समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ उस शब्द को स्टे कहा जाता है। हमारे यहाँ पहले एप्लीकेशन डलती है यहाँ इंटरिम स्टे की, जो एक्स पार्टी भी दे दिया जाता है, उसके बाद नोटिस होता है और फिर स्टे की एप्लीकेशन लगती है, फिर स्टे दे दिया जाता है अगर केस में मेरिट हो तो, उसके बाद असली केस पर आते हैं। तो जो हमें पहले मिला, 8 को हमने दायर की और 9 को हमें जो मिला वो इंटरिम स्टे था, इंडिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेजर। उसके बाद 15 को जो हमने बहस की वो प्रोविजनल मेजर के ज्यूरिसडिक्शन पर की और उसको उन्होंने स्वीकार किया, और स्वीकार करके हमें प्रोविजनल मेजर दे, इंडिकेशन ऑफ प्रोविजनल मींस ग्रांटिंग ऑफ स्टे दे दिया, और ये कहा कि पाकिस्तान ने कोई आश्वासन नहीं दिया 150 दिन के बाद भी। उन्होंने यही कहा कि क्लीमेंसी जब तक है और उसके 150 दिन बनते हैं, इसलिए हम ये निर्णय देते हैं कि पेंडिंग फाइनल डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट, यानी जब तक इस कोर्ट का फाइनल फैसला अंतिम फैसला नहीं सुनाया जाता तब तक जाधव को फांसी नहीं दी जा सकती। उन्होंने जाधव की फांसी पर तब तक रोक लगा दी। अब जो केस आगे आएगा वो आएगा ज्यूरिसडिक्शन ऑन द मेरिट ऑफ द केस, और ज्यूरिसडिक्शन ऑन द मेरिट ऑफ द केस पे भी हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, जो निश्चित तौर पर हम लोग वहाँ लड़ेंगे और जीतेंगे। जो आपने कहा कि अब पाकिस्तान कहता मैं इसको कश्मीर को वहाँ ले जाऊँगा, कश्मीर को वो किसी भी तरह से आईसीजे में नहीं ले जा सकता, क्योंकि कश्मीर के ऊपर शिमला अग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन बहुत ही क्लियर हैं कि बायलेटरल मुद्दा है और दोनों देश आपस में बैठकर ही निपटाएंगे। जहां तक ये सवाल है कि फिर हम वहां क्यों गए, हम कश्मीर को नहीं ले गए आईसीजे में। हमारे बहुत से मुद्दे कोर्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे हैं। शायद आपको मालूम है कि हैदराबाद फंड्स का केस है, वो ब्रिटेन की कोर्ट में चल रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच ही चल रहा है। ये इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के जो वर्ल्ड बैंक की बात है, वहां भी आर्बिट्रेशन और न्यूट्रल एक्सपर्ट की बात हो रही है। तो इसलिए हमारे बहुत से मुद्दे आपस में कोर्ट में सुलझाए जा रहे हैं। तो ये भी एक मुद्दा, क्योंकि ये वियना कन्वेंशन की वायोलेशन का मुद्दा हम लेकर गए, कश्मीर को लेकर नहीं गए। कश्मीर में हम भी उसी से बंधे हैं जिससे हम पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आप बंधे रहो। कश्मीर का मुद्दा केवल बायलेटरली ही सुलझाया जा सकता है, लेकिन हम जो लेकर के गए हैं वो वियना कन्वेंशन की वायोलेशन का मुद्दा लेकर गए हैं, जिसमें कौंसलर एक्सेस देना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। और वहाँ उन्होंने हमें प्रोविजनल मेजर्स दे करके ये राहत दी है। मुझे लगता है कि परिवार को तो मिली ही, देश को भी ये राहत मिली है कि जब तक इस केस का जो हमने आईसीजे में फाइल किया है अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक जाधव को फांसी नहीं दिख सकती। We'll take here from Shida. Ma'am, this is Shridhar here from the Asian Age, right in front of you. You just spoke about the Indian success in diplomacy in West Asia. Today, you're confronted with a new challenge. The Saudi-led alliance has snapped diplomatic ties with Qatar. And while we are seeking, basically, I wanted to ask, what do you foresee will be the impact on India? And we've been seeking Saudi investment and investment from the UAE. But you would know that Qatar also has indicated that it wants to invest in India, it wants to launch a domestic airline in India, and it's also oil and gas rich. So where do we stand on this? How are you confronted with another Israel, Iran, or Saudi Iran kind of situation? And how will you balance this out? हमारे लिए स्थिति से कोई चैलेंज उभर कर नहीं आया। ये GCCI का आंतरिक मामला है, पहले भी कई बार हो चुका है। जहाँ तक हमारा सवाल है, इसमें केवल हमें चिंता है तो इतनी है
कि हमारा कोई भारतीय तो इसमें नहीं फंसा हुआ, क्योंकि उन्होंने रोक लगा दी है जाने पे। अगर कोई भी भारतीय रुका हुआ है तो हम उसको यहाँ ले आएंगे, इसलिए वो चिंता भी उतनी देर की कि एक बार हम पता लगा रहे हैं कि इस बैन के बाद और ये टाई स्नैप करने के बाद कोई भारतीय तो इन देशों में नहीं फंसा हुआ, बस उतनी भर चिंता है। जहाँ तक कतर के साथ इन्वेस्टमेंट का सवाल है, कतर की एयरलाइन का सवाल है, बाकी जो MOUs हमारे उनके साथ हुए उस पर कतई कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपने खुद कहा सऊदी और ईरान में भी तो 36 का आंकड़ा है, लेकिन हम ईरान के साथ भी चाबहार कर रहे हैं और सऊदी के साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो हमारे अपने हितों पर या हमारे उनके साथ इन्वेस्टमेंट पर किसी तरह का कोई असर इससे नहीं पड़ता। ये GCCI का आंतरिक मामला पहले भी कर चुके हैं, टाइज हटा देते हैं फिर लगा देते हैं, वो उनका आंतरिक मामला, हम उसमें किसी तरह का दखल देना नहीं चाहेंगे, पर हमारे हित किसी भी तरह से इसमें असुरक्षित नहीं हुए। आसिफ साहब। मैं SM आसिफ, इन दिनों उर्दू डेली से। हमारा मैडम से सवाल है कि शुरुआत में आपने कहा कि हमारे अरब कंट्री से सबसे ज़्यादा ताल्लुकात मोदी सरकार के हुए, और ये दो जो आपके मंत्री हैं इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, जो फंसे लोग थे उन्हें ले आए और बातचीत की। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि 52-54 कंट्री जो मुस्लिम्स हैं उनमें हमारे एम्प्लॉइज काम करते थे, उनकी नौकरी को बरकरार रखने के लिए उनके सऊदी में नए कानून आए और उस पर हमारी एम्बेसी ने काम किया, तो अब कितने लोग वापस वहाँ नौकरी पर चले गए हैं और उनकी रोज़गार की अब क्या मौके? देखिए सऊदी, हाँ इस पर और सवाल, हाँ आपके पास। मैडम, निमिष कुमार फ्रॉम हिंदुस्तान समाचार न्यूज़ एजेंसी। मैडम, आपने अभी बताया कि 80,000 भारतीयों को आपकी सरकार ने पिछले 3 साल में संकट में जो फंसे थे उन्हें बचाया है, क्या आप बताएंगे कि इसमें भारत सरकार ने कितना खर्च किया है इन 3 सालों में? और क्योंकि बार बार विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी जारी करने के बावजूद लोग डेंजर जोन में जा रहे हैं और फंस रहे हैं, और उसके बाद आप सब लोगों को उनको बचाने जाना पड़ता है, उज़मा उसका एक उदाहरण है। तो आप बस यही है मेरा कि आप कितना पैसा खर्च हुआ है और इसके लिए अब ऐसा न हो इसके लिए सरकार और आपका मंत्रालय क्या कर रहा है? वेस्ट एशिया या गल्फ से संबंधित कोई सवाल? रंजीत। रंजीत कुमार, मैडम अभी आपने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की बात की, ईरान में चाबहार पोर्ट पर भारत का एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन इसमें तेज़ी नहीं देखी जा रही है, इसमें क्या वजह है? दूसरे भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी तेज़ी नहीं देखी जा रही है, तो इसमें क्या आपकी भविष्य की क्या योजना है? मैं नाज असगर हूँ, UNI से। आई हैव अ रिलेटेड क्वेश्चन। रिसेंटली द ईरानियंस हैव बीन कंप्लेनिंग दैट इंडिया इज गोइंग स्लो ऑन चाबहार प्रोजेक्ट। हाउ फार इज देयर कंप्लेंट जेन्युइन? पहले मैं आसिफ साहब का सवाल ले रही हूँ इन दिनों का। जहाँ तक सऊदी का सवाल है, सऊदी और UAE दो ऐसे देश हैं जहाँ हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा कामगार जाते हैं। 29 लाख से लगभग 30 लाख तक का आंकड़ा सऊदी का है और 25 से 26 लाख का UAE का है। पीछे दो कंपनियाँ उनकी बड़ी हैं जिसमें समस्या आई थी, एक सऊदी ओजर और एक साद, और दोनों के बारे में जो मैंने कहा कि जैसे बटी हुई जिम्मेदारी है, अकबर साहब ने बात की थी, और उसके बाद जब विकेश वहाँ गए थे तो उन्होंने खुद जाकर के बात की थी, और इतना सहयोग वहाँ मिला हमें सऊदी का, जो मैं यहाँ कहना चाहूँगी, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था और उसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया था कि आप इतने अच्छे रिश्ते बना के आए, कि उन्होंने ये कहा कि ये जो कैंप्स हैं, सबसे पहले तो ये कैंप्स हम स्थापित करेंगे, खाना इनको हम खिलाएंगे, सफाई कैंप्स की हम करवाएंगे, और उसके बाद ये कहा कि दो रास्ते हैं, एक रास्ता है कि ये दूसरी किसी कंपनी में अगर लगना चाहते हैं और नौकरी मिलती है तो वहाँ इनको लगवा दो, अगर वापस जाना चाहते तो जहाज भी हम देंगे। और इस पूरी सहायता के चलते हमने हजारों हजार लोग वहाँ से निकाले जो जाना चाहते थे दूसरी कंपनियों में, और उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक नौकरी मिल गई,
उनको वहाँ नौकरी लगवाया, बाकियों को हम बाहर निकाल कर लाए. और ये चर्चा लगातार जारी है, बल्कि अभी पीछे मैंने गल्फ के एम्बेसडर्स को बुलाया था और उनसे ये आकलन करवाने को कहा है कि ऑयल के प्राइसेस कम होने के कारण, तेल की कीमतें कम होने के कारण काफ़ी कंपनियाँ बंद हो रही हैं, तो आपका छंटनी का क्या आकलन है? कहीं ऐसा ना हो कि हम एकदम अवाक रह जाएं कि इतने लोग निकाल दिए गए. तो वो भी एक आकलन एडवांस में ही हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो मैंने गल्फ एम्बेसडर से कहा. आपने जो सवाल पूछा उसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत सरकार का एक भी रुपया खर्च नहीं किया. हमारा एक फ़ंड होता है इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, ICWF, और उसमें हमें इतनी छूट है कि अगर जिस देश से आप निकाल रहे हैं, अगर उस देश के फंड में पूरा पैसा नहीं है तो दूसरे फंड से भी हम डाल सकते हैं. जब हमने इराक से 7,000 लोग निकाले, लीबिया से 3,200 लोग निकाले, यमन से 4,000 लोग निकाले, उस समय भी इस तरह से हमने इन छोटे देशों को बड़े देशों से फ़ंड ट्रांसफ़र किया था. हमने एक भी पैसा भारत सरकार से नहीं लिया. लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये मानवीय संवेदना का काम है, इसे पैसे से नहीं तोलना चाहिए. आपने कहा एक उदाहरण उज़्मा है, उज़्मा की क्या गलती थी? एक विजिट वीज़ा लेकर के वहाँ मिलने गई थी. लेकिन मैं कम से कम आज मुझे संतोष है इस बात का कि वहाँ बैठकर अगर उसने किसी को घर से दूर घर माना तो इंडियन एम्बेसी को माना. उसको एक अंदर से हौसला था, एक विश्वास था कि मैं अगर इंडियन एम्बेसी जाऊँगी तो वहाँ मुझे शरण भी मिलेगी और सुरक्षा भी. तो इसलिए ये कहना कि पैसों से आपने कितना पैसा खर्चा, हमने बजट से नहीं लिया. लेकिन मैं एक कदम आगे बढ़ के कहना चाहूँगी, अगर ICWF खत्म हो जाए, उसके अंदर पैसा खत्म हो जाए और लोग स्टैंडर्ड हों, तो भारत सरकार से बजट से लेकर के भी हम उनको निकाल करके लाएंगे. ये हमारी कमिटमेंट है उनके प्रति. गौरव सावंत. मैम, मेरा नाम गौरव सावंत है, मैं आज तक से हूँ. आतंक को पैसा ना मिले बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन इस समय स्थिति यह है कि हुर्रियत को पाकिस्तान से पैसा मिल रहा है कि वो कश्मीर में स्कूल जलाए, उपद्रव करे, पत्थरबाजी हो. इसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है कि पाकिस्तान आतंकवादी तो भेज ही रहा है, पैसे भी भेज रहा है, इंटरनेट पर भी आतंकवाद फैला रहा है? देखिए, वैसे तो आपका ये सवाल गृह मंत्रालय का है और राजनाथ सिंह जी इस पर जवाब देते रहते हैं. जो बात आपने कही है, पीछे एक बयान भी आया था किसी आतंकवादी का जिसने कहा था कि हमको पाकिस्तान से पैसा मिल रहा है, और उसकी जाँच गृह मंत्रालय कर रहा है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी. परीक्षित. चाबहार पे मैं आपसे कहना चाहूँ, दो सवाल आए चाबहार के, कि आपने जो कहा कि गति धीमी है, गति धीमी थी, है नहीं. क्योंकि गति धीमी थी, इसकी शिकायत भी आई, जो आपने कहा कि शिकायत जेन्युइन थी, लेकिन सारे के सारे मुद्दे सुलझा लिए गए हैं, गति तेज हो गई है, पकड़ गई है, और अब चाबहार अपने आप में वो जो सपना था वो साकार होकर रहेगा. अब गति धीमी की कोई बात नहीं है. एक आपने ये भी साथ में जोड़ दिया कि बाकी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी धीमे हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि बाकी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी धीमे थे, हैं नहीं. प्रधानमंत्री जी ने एक मैकेनिज़्म, एक तंत्र बनाया है कि हर 3 महीने पर जो प्रोजेक्ट्स भारत द्वारा किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा मैं करूँ, और हर 6 महीने पर वो स्वयं उसकी समीक्षा करें. ये सिलसिला जब से शुरू हुआ है, हर 1 या 1.5 महीने पर FS ले लेते हैं रिव्यू, क्योंकि उन्हें मेरे सामने आना होता है समीक्षा के लिए, और हर 3 महीने बाद मैं समीक्षा कर लेती हूँ, फिर 6 महीने पर प्रधानमंत्री समीक्षा करते हैं. तो जब से ये समीक्षा का काम शुरू हुआ है तब से उनमें से एक भी प्रोजेक्ट ना अटका हुआ है, ना धीमा चल रहा है. परीक्षित. राइट. मैम, आई एम परीक्षित लूथरा फ्रॉम रिपब्लिक TV. The Prime Minister had recently said there is only one country in the neighborhood which is exporting terror. We saw a gruesome attack in Kabul recently. More than 80 people were killed. The Afghanistan government blamed the Haqqani group backed by the ISI for the same. India has always been a victim of cross-border terror. How would we now want the new US president to address this issue of cross-border terror and terror in the neighborhood? How is this going to figure in talks with the US president? देखिए, एक बड़ा सवाल है. आप इसे केवल संकुचित करके US प्रेसिडेंट तक ना लाएं तो बेहतर है. हर जगह कोई भी इंटरनेशनल फोरम ऐसा नहीं है जिस पर हम लोगों ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मामला नहीं उठाया हो. यहाँ तक कि दुबई की यात्रा में, सऊदी की यात्रा में जो जॉइंट स्टेटमेंट्स निकले वो सब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ निकले हैं.
तो हम ग्लोबली बात करें, और अब जो हमने बात करने शुरू की है, अभी प्राइम मिनिस्टर जर्मनी होकर आए हैं, वहाँ भी उन्होंने जो बात की, स्पेन में भी जो बात की, फ्रांस में भी जो बात की, कि आप पाकिस्तान को भारत के प्रिज्म से मत देखिए, हम सक्षम हैं, हम अपना मामला स्वयं संभाल लेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि क्या इंटरनेशनल टेररिज्म में किसी के तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। ओसामा कहाँ मिले? सीधे ओसामा के तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। सऊदी अरब में आतंकवाद हुआ, तार कहाँ जुड़े? तो हमें अपनी चिंता नहीं है, हम ग्लोबल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कहना चाहते हैं कि अगर आप वाकई टेरर को एक थ्रेट मानते हैं, और थ्रेट टू नॉट टू योर कंट्री बट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, अगर आप मानवता के प्रति इसको एक थ्रेट मानते, खतरा मानते हैं, तो फिर मिलजुल कर तय करिए। और उसमें हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि CCIT, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, जो भारत ने 1996 में दिया था, तब लोग इसको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मान करके छोड़ देते थे, आज समय आ गया है उस CCIT को कंक्लूड करने का और डिफाइन करने का टेरर, जिसमें वो सारी चीज़ें आएँ कि जो टेरर को फिनांस करता है, जो टेररिस्ट को शरण देता है, जो टेररिस्ट को हथियार देता है, वो सब उसी कैटेगरी में आता है जिसमें टेररिस्ट स्वयं आता है। उमाशंकर। मैम, मैं उमाशंकर सिंह हूँ NDTV से। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, उसके साथ एक सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिसंबर में लाहौर गए थे, तो क्या वो नवाज शरीफ की तरफ से आया न्योता था, या प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपनी तरफ से बड़ी पहल की थी? और ये क्लैरिफिकेशन इस पे चाहिए। और दूसरा ये कि क्या इसी तरह का कोई न्योता आता है तो क्या प्रधानमंत्री फिर बड़ा दिल दिखाएंगे और वहाँ जाएंगे? क्या आप उनको इस बारे में प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि हार्ट ऑफ एशिया में जाकर खुद आपने एक बड़ा मानवीय संबंध जोड़ने का काम किया था? हाँ, ये तो पाकिस्तान से रिलेटेड सवाल आपने दोबारा पूछ लिया। इम्पोर्टेंट सवाल, मैं दे देती हूँ जवाब। देखिए, जहाँ तक आपने ये पूछा कि क्लैरिफिकेशन चाहिए कि बुलावे पे गए थे कि अपने आप गए थे, मैं आपको बहुत साफ बता दूँ, जब प्रधानमंत्री काबुल में थे, 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का जन्मदिन था, उन्होंने उनको बधाई दी थी। उस पर नवाज साहब ने कहा कि आप काबुल में हैं और दिल्ली जा रहे हैं, लाहौर रास्ते में पड़ता है, क्यों नहीं आप लाहौर आते? मेरा जन्मदिन तो है ही, मेरे घर में मेरी बेटी का एक फंक्शन भी है, बेटी की बेटी यानी नाती का रोका था, मिलनी जिसे कहते हैं, तो उन्होंने उसको ऑनर किया था और उसके लिए गए थे। इसलिए ये कहना कि वो अपने आप उड़ के चले गए, बिना किसी के बुलावे पे चले गए, ये सही नहीं है। तो ये क्लैरिफिकेशन आप ले लीजिए कि बधाई का, जन्मदिन की बधाई का जो संदेश दिया था, उस पर उन्हें ये बुलावा दिया गया था। बाकी जो आपने कहा हार्ट ऑफ एशिया, हार्ट ऑफ एशिया में मैं गई थी तो कॉम्प्रिहेंसिव बायलेटरल डायलॉग शुरू करके आई थी, ये 9 दिसंबर को हुआ, 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री गए, और उसके बाद नए साल की शुरुआत पठानकोट से हो गई। तो बदली हुई परिस्थितियों का आप संज्ञान नहीं लेंगे क्या? आज वही परिस्थिति है, उसके बाद कुलभूषण जाधव हो गया, बुरहान वानी को स्वतंत्रता सेनानी कहा गया, एक हिजबुल कमांडर का मुखिया इनामी आतंकवादी, और जिस पर इनाम हमने नहीं, हमारे पूर्व की सरकार ने रखा हो, उसको शहीद की संज्ञा दी। तो आज वो 9 दिसंबर वाली हार्ट ऑफ एशिया के हालात हैं क्या? तो आप जो बात कह रहे हैं मानवीय संबंध, मानवीय संबंधों के लिए कोई मानवीय धरातल भी चाहिए, मानवीय संबंधों के लिए कोई अच्छा वातावरण भी चाहिए, क्या वो वातावरण आज है? Sushma ji, vanakkam. This is Hani Kumar from PT News. The issue of fishermen arrest, killing of fishermen and seizure of fishing boats between India and Sri Lanka has dragged on for several years. So what is a permanent solution for this fisherman issue? And the Tamil Nadu government is continuously urging the Center for Retrieval of Kachathivu for the permanent solution of the fisherman issue. Do you think at this stage the retrieval of Kachathivu is possible? And my second question is, when a Kerala fisherman is killed by Italian Navy, this issue is taken in a very serious way by the Indian government. When a Tamil Nadu fisherman is killing by a Sri Lankan Navy, so Indian government is taking just like that. So recently, an Indian fisherman from Tamil Nadu is killed by
Sri Lankan Navy, and Sri Lankan Navy denied that they assured for the thorough investigation on this issue. So I would like to know what is the present status or the investigation on this issue. That's it. Does anyone else have a related question on Sri Lanka or Sri Lanka related? Hi, ma'am. I'm Suchitra from News Red in Tamil Nadu. I'm here. So it's same Sri Lankan fisherman issue, and we have many years we have this issue actually. So the international maritime boundary, that is the main part where Sri Lanka is always alleging on India and arresting Indian fishermen. So when we can expect an end court for that? Because India do arrest Sri Lankan fishermen sometimes, but Sri Lanka is always arresting. Sri Lanka, no, Ranjit, I think you have asked one question. Burma baad mein lenge. Baad mein lenge. Ho sakta Burma se sambandhit aur sawal. Abhi Sri Lanka ke dono sawal kar le. Jo fishermen. Vanakkam. Sabse pehle mujhe aap pe aapatti hai ki aap Kerala ke fishermen aur Tamil Nadu ke fishermen kehkar address kar rahe hain. Mere liye wo Indian fishermen hain. Wo mere liye Kerala ke fishermen aur Tamil Nadu ke fishermen nahi hain. और ये बात मैं बार बार कहती हूँ कि वो भारतीय मछुआरे हैं. और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि तमिलनाडु गवर्नमेंट तो अर्ज कर ही रही है, लेकिन भारत सरकार, भारत की केंद्र सरकार लगातार श्रीलंका के साथ इस बारे में बात करके एक स्थायी समाधान निकालना चाहती है. और आपको ये भी बता दूँ कि आज से पहले ये कभी नहीं हुआ. हमने इस इश्यू को इतना सीरियसली लिया है, आप लगा लेंगे, हमने इशू को इतना सीरियसली लिया है कि पहली बार दो मिनिस्टर श्रीलंका से और दो मिनिस्टर भारत से, उनके फॉरेन मिनिस्टर और उनके फिशरीज मिनिस्टर, यहाँ से मैं एज फॉरेन मिनिस्टर और राधा मोहन सिंह एज फिशरीज मिनिस्टर, इकट्ठे केवल फिशरमैन के इशू पर बैठे. और उसमें से हमने ये रास्ता निकाला कि एक तो इसका स्थायी समाधान है डीप सी फिशिंग, जिसके लिए हमने उनको कहा कि 1500 करोड़ का पैकेज भारत सरकार ने तय किया है, 3 साल का पीरियड है, 500 करोड़ हर वर्ष खर्च करके हम डीप सी फिशिंग की तरफ जाएंगे. इसलिए हम आपसे ये कहते हैं कि केवल हमें इंटरिम अरेंजमेंट आप कर दीजिए जिसमें हमारे फिशरमैन मारे नहीं जाएं, फिशरमैन पकड़े नहीं जाएं. जहाँ तक मारने का सवाल है, एक ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उससे पहले अगर आप पूरा 3 साल का पीरियड देखेंगे तो एक भी फिशरमैन की मृत्यु नहीं हुई. क्योंकि हमने ये कह रखा था कि किसी भी कीमत पर गोली एक्सेप्टेबल नहीं होगी. और ये जो घटना हुई उसकी जांच चल रही है. श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने स्वयं अपनी ओर से कहा, उन्होंने इसको कंडेम भी किया और साथ ही ये भी कहा कि हम इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे. जहाँ तक केरल के फिशरमैन का सवाल है, वो सीधे सीधे हत्या की घटना थी, उसको हम लोग कोर्ट में लेकर के गए हैं, कोर्ट में चल रहा है. लेकिन ये जो मामला कि केरल के फिशरमैन और तमिलनाडु के फिशरमैन को आप अंतर करके देखें, एक भी हत्या इससे पहले नहीं हुई हमारे 3 साल के कार्यकाल में, पहली हुई है जिसको हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं. और आपने जो बात की साथ में कच्छतीव की आपने जो बात की, तो मैं आपको बता दूं कि कच्छतीव का मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है और इसीलिए उसके ऊपर कोई टिप्पणी मैं कर नहीं सकती. और आपने जो सवाल पूछा वो सेम सवाल पूछा जो सवाल पहले पूछा गया, आपने एग्जैक्टली वही सवाल तमिलनाडु फिशरमैन के बारे में पूछा. जो मैंने आपको बता दिया कि हमारे लिए बहुत प्राइमरी इम्पोर्टेंस का मामला है, बहुत उच्च प्राथमिकता का मामला है और हम इसका स्थायी समाधान हमने डीप सी फिशिंग में खोज लिया है. पर इंटरिम अरेंजमेंट हमारा हो जाए इसके लिए एक मैकेनिज़म बनाया उस मीटिंग में से कि हर 6 महीने पर फिशरीज मिनिस्टर वापस मिला करेंगे और हर 3 महीने पर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो बना है वो मिला करेगा. मुझे लगता है इंटरिम अरेंजमेंट में भी कोई अच्छी चीज़ निकल के आएगी. सुहासिनी, External Affairs Minister, I'm Sohasini Heather from the Hindu. 1 year ago, which was the last time you held a press conference, you had spoken about India's chances at the nuclear suppliers group just ahead of the plenary. At the time, you had said a consensus is building in India's favor. You were hopeful that China would change its mind. Subsequently, the MEA had put out a statement saying one country and one country only had consistently stopped India's chances at the NSG. My question is, in this year that has elapsed, have our chances progressed at all? Because there is another NSG plenary session coming up this month.
सुहासिनी, वैसे तो मैं एनएसजी पे जवाब दे चुकी हूँ क्योंकि एक सवाल इस पे पहले आया था, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ये एक लगातार प्रयास की चीज़ है, ये आज से शुरू नहीं हुई, ये पूर्व की सरकारों में भी 20-30 साल पहले से शुरू हुई है, लेकिन पिछली बार का जो प्रयास था वैसा प्रयास पहले कभी नहीं हुआ कि जहाँ प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं अपने समकक्ष लोगों से बात की, मैंने भी बात की, तो ये प्रयास जारी रहेगा। और इसमें अब हम दूसरी चीज़ ये अपना रहे हैं कि हम तो चाइना को इंगेज कर ही रहे हैं, उनको ये समझा ही रहे हैं जो दोनों बातें मैंने बताई कि 2008 के अग्रीमेंट के बाद हमें क्रेडेंशियल्स पर मिलनी चाहिए, मेंबरशिप क्राइटेरिया पर नहीं, और नॉन एनपीटी मेंबर्स का हमने फ्रांस का उदाहरण भी उनको दिया। लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे मित्र देश हैं और चाइना के साथ भी जिनके अच्छे संबंध है वो भी चाइना को मनवाने का प्रयास करें, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कामयाबी मिलेगी। बस यही कह सकती हूँ एक बार कि हम होंगे कामयाब एक दिन। अब हम लोगों के पास समय बहुत कम बचा है, इनफैक्ट एक घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है। मैम क्या हम दो तीन जी मैम क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए मैम हियर सुषमा जी हियर सौम्य बंदोपाध्याय फ्रीलांस जर्नलिस्ट राइट फ्रॉम प्रथम आलो बांग्लादेश एंड द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग बांग्लादेश ऑल्दो द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अश्योर्ड दैट ड्यूरिंग हिज टेनर एंड हसीना जी टेनर द तिस्ता एग्रीमेंट विल बी सॉल्व्ड द टैंगल but there is tremendous apprehensions in Bangladesh, in the minds of the people of the Bangladesh, as well as our impression is the minds of the government, that this may not take place. As Mamta ji, Mamta Banerjee, she has given first an alternate proposal regarding in lieu of Tista, should take the water of Tursa and other rivers. And secondly, she has given, when he last met the Prime Minister, she has given given the name of four Bangladesh rivers which have come to India and then went back to Bangladesh, and thus waters are stalled. So is there, can you be, because by next year this time when you hold the press conference, the Bangladesh will be preparing for the elections. Can you assure again that it will be solved by that time? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आखिरी खंड जो आपका सवाल का उससे शुरू करूं। ऐसी चीज़ों के लिए समयावधि तय नहीं की जा सकती। तो मैं कहूं कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कहूंगी कि भी तीस्ता सॉल्व हो गया, कोशिश भरपूर जारी है। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर को ऑन बोर्ड लेना भी आवश्यक है, और आपकी ये जानकारी बिल्कुल सही है कि उन्होंने जब शेख हसीना जी आई थी तो एक वैकल्पिक प्रस्ताव, एक ऑल्टरनेट प्रपोजल दिया है जिसमें तीन नदियों के नाम दिए हैं कि इनसे भी पानी दिया जा सकता है। मैं आपको ये बताऊं, हम उसकी भी फिजिबिलिटी स्टडी करा रहे हैं और उसकी फिजिबिलिटी स्टडी की रिपोर्ट भी ममता जी से शेयर करेंगे, बैठकर बात करेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब तक हम आपसी चर्चा से इस पर नहीं पहुंच जाते कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बांग्लादेश तीनों की एक सहमति आपसी बन जाएगी। आखिरकार लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट पर भी बनी ना, कितने कितने वर्ष चला मामला मगर बनी। तो मैं बहुत ही आशान्वित हूँ के तीस्ता पर भी अग्रीमेंट होगा, सहमति बनेगी, मगर कब बनेगी उसकी कोई अवधि में तय नहीं कर सकती। बांग्लादेश से संबंधित कोई और सवाल? इधर आगे ले आई मैम। आई एम गौतम लहरी, आई एम कंसल्टिंग एडिटर टू मिलेनियम पोस्ट एंड राइट फॉर ए बंगाली न्यूज़पेपर टू 365 डेज। आई एम क्वेश्चन रिलेटेड टू बांग्लादेश। When Mamataji met Priyam, she gave a memorandum which she released later on. There is another issue mentioned that Bangladesh has imposed an additional import duty on the export of mangoes from West Bengal. So whether do you think this is an anti-dumping duty imposed Bangladesh on West Bengal export, and would you take up with all these issues with the Bangladesh? देखिए, ममता जी की सारे कंसर्न्स जितने हैं उन सब के ऊपर हम लोग उसको अंडर कंसिडरेशन भी रखते हैं, उसको ऊपर ध्यान भी देते हैं, उसको एग्जामिन भी करवाते हैं। तो जो मेमोरेंडम वो दे करके गई हैं वो अंडर एग्जामिनेशन है, और एग्जामिनेशन के बाद जो भी उसका अर्थ निकलेगा और जो भी हम कर सकेंगे उनकी मदद के लिए वो ज़रूर करेंगे। द यंग मैन देयर, सॉरी आई डोंट रिकॉग्नाइज, प्लीज से योर नेम एंड ऑर्गेनाइजेशन। या Ma'am, I'm Ankit Tyagi from India Today. My question is just picking up from the Kabul attack, in which Afghanistan agencies have said that it was backed by ISI. On that, replying to that, Pakistan in fact said that Afghanistan is under pressure from India, and they also said that Iran understands Pakistan's position. My question is that what sort of
cooperation have we got from Iran vis-a-vis terrorism emanating from Pakistan? And also, how have they helped us in Kulbhushan Jadhav case? नहीं जहाँ तक पाकिस्तान का ये कहना है कि इंडिया के प्रेशर में अफगानिस्तान ऐसा कह रहा है वो अपने आप में निराधार है इसलिए आगे का जो आपका सवाल है वो उसका जवाब बनता ही नहीं है मैडम मैं श्रीकांत भाटिया हूँ संवाद सिंधी न्यूज़पेपर से मैडम हाल के वर्षों में काफ़ी तीर्थयात्री पाकिस्तान से हिंदू सिख और सिंधी बड़ी संख्या में आते हैं और शॉर्ट टर्म वीज़ा पर आते हैं जब उनका वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो उनको बहुत बुरी तरह बर्ताव करके सरकार वापस भेज देती है परसों राजनाथ जी ने भी कहा कि जो दिसंबर 2014 तक जितने लोग आ गए उनके सिटीजनशिप पर हम विचार कर रहे हैं कि उनको स्थायी सिटीजनशिप मिले मैडम जो लगातार आ रहे हैं उनके लिए कुछ सरकार की नरमी है क्योंकि वही हमारे हिंदू जी हैं सिख हैं और इस कई इस तरह की कम्युनिटी के आ रहे हैं तो क्या उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा आप इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म वीज़ा देने के लॉन्ग टर्म वीज़ा दे दें और उनके सिटीजनशिप इशू को डिसाइड करें देखिए जो तीर्थयात्री बन के आता है और जो शरणार्थी बन के आता है दोनों में फ़र्क है तीर्थयात्री वहाँ से एक छोटी अवधि का वीज़ा लेकर ही आता है क्योंकि वो वापस जाना चाहता है और रहना वहाँ चाहता है जो रिफ्यूजी बन के आता है वो पाकिस्तान को छोड़ आता है और फिर यहाँ आता है उसके लिए लॉन्ग टर्म वीज़ा की पॉलिसी बनी है पहले 2 साल का देते हैं फिर 5 साल का देते हैं फिर 7 साल का देते हैं और 7 साल के बाद नागरिकता देते हैं लेकिन जो केवल घूमने फिरने आता है केवल तीर्थाटन के लिए आता है और वापस जाना चाहता है उसको आप लॉन्ग टर्म वीज़ा कैसे दे सकते हैं ये चॉइस तो उसको करनी है कि यहाँ वो उस देश को छोड़कर प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी के नाते आ रहा है या यहाँ केवल श्रद्धा के नाते तीर्थ करने आ रहा है अगर वो श्रद्धा के नाते तीर्थ करने आ रहा है तो स्वयं शॉर्ट टर्म वीज़ा अप्लाई कर रहा तो आप थोड़ी थोप सकते हैं उसमें कि नहीं हम तुझको लॉन्ग टर्म वीज़ा देंगे लेकिन जो शरणार्थी बनकर आ रहा है और ये कह रहा है कि मैं प्रोसिक्यूटेड हूँ उस प्रोसिक्यूटेड को हम लॉन्ग टर्म वीज़ा दे रहे हैं और उसके लिए बहुत अच्छी नीति भारत सरकार ने बनाई पारुल चंद्र मैम हियर मैम पारुल चंद्रा मैम प्राइम मिनिस्टर मोदी इज येट टू विजिट द मालदीव्स इज ही 3 years into his tenure सो डज द फैक्ट दैट ही हैजंट बीन देयर सो फार इंडिकेट इंडियाज कंटिन्यूइंग अनहैप्पीनेस विद द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द मालदीव्स के मालदीव्स सार्क का एक देश है और सार्क के 7 देश मैं और प्रधानमंत्री मिलकर कर आए हैं इसलिए मालदीव्स छूटा नहीं है मेरी यात्रा वहाँ हो चुकी है तो हम लोग यही देखते हैं कि कौन सा रीजन मैंने और उन्होंने मिलकर कवर कर लिया तो सार्क के 7 देश कवर हो चुके हैं और मालदीव्स की यात्रा में नहीं जाना ऐसा कोई निर्णय नहीं है मैडम बर्मा सुशील वकील फ्रॉम समाचार दिस साइड लास्ट वर्ड सुशील वकील फ्रॉम समाचार मैम बर्मा से बहुत सारे रोहिंग्या रिफ्यूजीज इंडिया क्रॉस ओवर करके आए हैं जिसमें से 15,000 बीच से 20,000 तक जम्मू में आके बस गए जम्मू में पिछले 2 महीने से उनके वापस जाने के लिए एजिटेशन चल रही है क्या आपकी सरकार बर्मा सरकार से उनके वापस भेजने का उठाएंगे इस मामले को गृह मंत्रालय देख रहा है आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद बाहर भी हम लोगों से आप इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा अब आप आमंत्रित हैं हम लोग के साथ चाय पान के लिए धन्यवाद